हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। देखो बुक में जो डायग्राम नहीं दे रखा तो मैं फिगर यहाँ पे बना देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने बना दिया एक्स, ठीक है, ये एक्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं y और ये हमारा z, ठीक है, ऐसे बना दिया एक्स वाई जेड, और ये कितना दे रखा है 64 डिग्री। तो एक्स वाई ये हो गया और ये वाला हो गया हमारा z, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया आगे तक टू पॉइंट p, तो ये पॉइंट हो गया p, ठीक है। फिर कहता है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, वाई क्यू देखो कहाँ पर है, एक्स वाई जेड दे रखा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखो जेड वाई पी तो ये है, तो हमें वाई क्यू जो है एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और यहाँ ध्यान दो क्या कहता है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी इस एंगल को, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये रे ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी वाई और ये पॉइंट हो गया क्यू, ठीक। तो एंगल कहता है जेड वाई पी, जेड वाई पी, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी बाइसेक्ट कर दिया, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हम इस और इस एंगल को नाम देंगे और ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ए नाम दे दे रही हूँ, इसको भी ए दे दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए दोनों को ए ए नाम दे दिया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड एक्स वाई आर, एक्स वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल हमें पता करना है, एंड रिफ्लेक्स वाई क्यू पी, वाई क्यू और पी वाला जो है ये भी हमें इसका रिफ्लेक्स पता करना है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये तो हमने मान लिया, ये क्या है, एक लाइन पे बने हुए एंगल हैं, तो क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड, ये उसने हमें दे रखा है 64, प्लस एंगल ये हो गया जेड वाई क्यू कितना है ए, और एंगल पी वाई क्यू भी कितना है ए, ठीक है। ये तीनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल एक्स वाई जेड तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 64 डिग्री, तो मैंने लिख दिया प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम 2a को फाइंड आउट करेंगे, 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 64 को जब हम साइड चेंज करके लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 से 4 माइनस करेंगे तो 6, और 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1, 116 हो गया। अब हमें तो लेकिन a पता करना है, तो एंगल a इज इक्वल टू 116, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा तो किसका होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 25 जा 10 और 28 जा 16, तो एंगल a हमारा कितना आ गया 58 डिग्री, मतलब ये कितना है 58 डिग्री, और दोनों सेम है तो ये भी हो गया हमारा 58 डिग्री। तो उसने हमसे यहाँ पर पूछा था फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू को कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिख देंगे एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दे रखा है फिगर में एक्स वाई क्यू, ये मतलब ये दोनों एंगल हमसे पूछे हैं, ठीक है, ये दोनों। अब ए तो हमें पता चल गया, ए हमने यहाँ पे निकाल दिया है 58, और ये हमें ऑलरेडी पता है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिर्फ 64 प्लस 58 कितना हो गया 8 ऑफ 4 12, 1 कैरी ओवर 6 12, तो ये हो गया 122 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक। अब दूसरा वो हमसे पूछ रहा है एंड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स जरूर ध्यान से समझना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, नहीं है ये नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखोगे, वो हमसे पूछ रहा है इसका रिफ्लेक्स, तो इसको छोड़ देंगे और बाहर वाला जितना भी है ये पूरा जो मैंने रेड कलर से करा है
ये हमें बताना है। बहुत ईजी है। कैसे? तुम्हें एंगल ए तो पता है, मतलब एंगल क्या करना चाहिए, एंगल ये वाला पता है, तो हम क्या करेंगे इसे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई इंट्रोडक्शन की, उसमें सारे एंगल मैंने समझाया, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसके इसको माइनस कर देंगे। किस वाले को? एंगल ए को माइनस करेंगे। तो 360 माइनस एंगल ए कितना निकाला है? 58 डिग्री। तो 10 से 8 गया 2, और यहाँ पे कितना बच गया? 5, 5 से 5 गया 0, और यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। 302 आ गया इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा होता है और 360 से कम होता है, ठीक है। तो हमने दोनों एंगल निकाल लिए। देखो रिफ्लेक्स में कुछ भी नहीं है, बाहर वाला जो एंगल है उसे छोड़ देंगे, जो है उसके बाहर वाला जो रेड कलर से बनाया है वही हमें निकालना है। तो ऐसे करके हमने जो है यहाँ पर जो है रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू निकाल दिया 302 डिग्री। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो जरूर करना।